जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, देखो WBBL यानी कि वुमेन्स बिग बैश लीग का जो मैच नंबर 24 खेला जाएगा दोस्तों, ST वुमेन्स वर्सेस, यहाँ पे देखो ST वुमेन और पर्थ स्कॉर्चर वुमेन्स यानी कि ST वुमेन और PS वुमेन्स के बीच ये WBBL का मैच नंबर 24 खेला जाएगा। इसको कवर करेंगे आज के वीडियो में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है भाई। और अगर आप लोग आज के मैच में अपना 11 प्लेयर का फैंटेसी टीम सिलेक्शन करना चाहते हो तो आपकी टीम में कौन से प्लेयर्स को आपको बैक करके चलना है, कौन से प्लेयर ऐसी हो सकती है दोनों टीम्स के साइड से जो आज के मैच में आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है, ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस में कौन से प्लेयर को ट्राई करोगे, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर की जाएंगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। फिर से बता दूं, ये जो मैच है ST वुमेन्स और PS वुमेन्स के बीच खेला जाएगा जो कि WBBL का मैच नंबर 24 रहेगा। इस सीजन की बात करें दोस्तों दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस की, तो ST वुमेन की जो टीम है यानी कि सिडनी थंडर्स की जो टीम है, ये देखो 5 मैच खेल के भाई 4 मैच अपने विन कर चुकी है। मतलब सिडनी थंडर्स की जो टीम है इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी सीजन के अंदर और ये टीम 5 मैच खेल के 4 जीत चुकी है। जबकि दूसरी साइड PS वुमेन्स देखे पर्थ स्कॉर्चर वुमेन्स की टीम, ये टीम भी देखोगे तो भाई देखो 5 मैच खेल के ये टीम भी अपने 3 मैच जीत चुकी है। मतलब दोनों टीम्स का ये कह सकते हो कि हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा वही सीजन में देखने को मिला है। लेकिन अपना जो मेन फोकस है कि भाई आज के मैच में कौन से 11 प्लेयर्स टीम में बैक करने हैं उस चीज के ऊपर रहेगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बेस्ट ऑप्शंस कौन से प्लेयर बनेंगे, आज के मैच की पिच रिपोर्ट किस प्रकार की है भाई, बैटिंग सरफेस विकेट है, बॉलिंग सरफेस विकेट है, फास्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पिन इंपॉर्टेंट रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर की जाएगी। तो आप लोग अपनी स्मॉली की टीम के साथ साथ अपना ग्रैंडली का भी अच्छा टीम सेक्शन कर पाओगे तो भाई वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। फिर से बता दूं, ST वुमेन PS वुमेन्स के बीच ये मैच खेला जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नहीं होती यार देखो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर से बनाए रखिएगा। बाकी टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको सबसे ऊपर टॉप में पिंड कमेंट मिल जाएगा जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पाओगे, ये वाला लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा भाई, इसके ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। तो उसके बाद कोई भी अपडेट्स होती है फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट कोई भी चेंज करेंगे आपको सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, सिंपली जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैच की बात करते हैं भाई, PS वुमेन्स और यहां से ST वुमेन्स के बीच खेला जाएगा। एक बार पिच रिपोर्ट पे चलेंगे, किस प्रकार का विकेट है वो देखेंगे और फिर आएंगे टीम सेक्शन पे। सबसे पहले चलते हैं भाई वेन्यू के ऊपर, ठीक है। वेन्यू की बात करते हो यहां से देखोगे ओवल सिडनी के वेन्यू पर यह मैच खेला जाएगा। इस विकेट की बात करेंगे दोस्तों, विकेट जो एक बैलेंस सरफेस आपको दिखेगा। अब बैलेंस सरफेस का मतलब क्या है भाई, बैलेंस सरफेस का मतलब यह है कि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों को इक्वल हेल्प है। मतलब ना तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई बहुत ही आपको यहां पे कम स्कोर देखने को मिल सकता है, ना आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि यहां पे आपको बहुत ही बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। मतलब एक एवरेज स्कोर हम लोग अगर निकाल के भी चलेंगे तो मेरे हिसाब से 130 से 140 का जो स्कोर है वो इस विकेट पे एक एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। एवरेज स्कोर का मतलब जो भी टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करेगी कम से कम देखो 135 140 के अप्रोक्स स्कोर करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच के चलो कि भाई कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करे 120 रन करे और वो टीम भाई डिफेंड कर जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चीज है वो है यानी कि 135 140 तो करना पड़ेगा अगर कोई भी टीम यहाँ पे स्कोर को डिफेंड करने के मैच को जीतना चाहे। 120 130 तक का स्कोर मेरे हिसाब से यहाँ पे चेजेबल स्कोर है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी विकेट की बात करें पेसर्स के लिए हेल्प है, लेकिन तेज गेंदबाजों को एक बार थोड़ा साइड करके ये सोचो कि भाई ये वुमेन्स का मैच है, ठीक है। और वुमेन के मैच में क्या कि भाई नॉर्मली स्पिन गेंदबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग भी थोड़ा स्पिन को टारगेट करके चलिए और ऐसे स्पिन गेंदबाज जो 4 ओवर अपने पूरे करके जा सकते हैं, वो स्पिन गेंदबाज नहीं जिनके ओवर कट हो सकते हैं, वो स्पिन गेंदबाज टीम में बैक करो जो पूरे 4 ओवर दे, या फिर आपको बल्लेबाजी बैकअप भी साथ के साथ देके चले, ठीक है। कौन से प्लेयर्स हैं मैं आपको बता दूंगा टीम सेक्शन करेंगे तब, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करें दोस्तों वेदर के बारे में, तो मौसम बढ़िया है भाई, बारिश वगैरह के तो कोई खास चांस यहां पे देखने को नहीं मिल पा रहे। एवरेज स्कोर यहाँ पे 120 मेंशन है, बट ये गलत है, इसके हिसाब से टीम मत बनाइएगा। 135 140 कम से कम इतना स्कोर मान के टीम आपको बनाना है, ठीक है। 10-20 रन ऊपर नीचे भी जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरे हिसाब से बहुत कम स्कोर है भाई, इससे तो ऊपर ही आपको जाता हुआ दिखेगा। अगर पिछले 5 मैच की बात करेंगे यहां से, तो पिछले 5 मैच में आप लोग देख पाओगे इस वेन्यू पे टोटल 59 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें 38 तेज गेंदबाजों ने और 21 स्पिन गेंदबाजों ने निकाले। मतलब फास्ट डोमिनेट करके चलती है इस वेन्यू पे, लेकिन भाई ये वुमेन का मैच है, ठीक है। अब वुमेन के मैच में देखो स्पिन इंपॉर्टेंट है फास्ट के मुकाबले, ये मैं आपको पहले सीधा सीधा क्लियर करके चल रहा हूं। तो सिर्फ अगर आप लोग 120 मान के चल रहे हो, ये मान के चल रहे हो कि फास्ट ही ज्यादा विकेट निकालेगी, तो वो मेरे हिसाब से गलती है। तो स्पिन को फेवर करना थोड़ा सा फास्ट के मुकाबले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, दोनों टीम्स के बीच में 5 साल में 11 मैच खेले गए, जिसमें से यहां पे 4 मैच सिडनी थंडर्स ने और 6 मैच यहां पे पर्थ स्कॉर्चर वुमेन्स ने विन करे, तो ऑलमोस्ट इक्वली है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, एक ही मैच का गैप है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेन्यू के बारे में पिच के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अभी हम लोग
लोग चलते हैं अपने टीम सेक्शन पे, कौन से 11 प्लेयर्स अपनी टीम में रखने हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं भाई। विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाओ, बेथ मुनी, एमी जोन्स, टी विल्सन, देखो तीन ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप लोग सेफ जाओगे तो आपके पास में बेथ मुनी के ऑप्शन, और बेथ मुनी को आप लोग पीएस वुमेन की साइड से अपनी टीम से भाई ड्रॉप करके नहीं चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक तो ऊपर बल्लेबाजी यानी कि ओपनिंग बल्लेबाजी आपको करके देगी, दूसरी चीज अब तक अगर फॉर्म देखोगे बाकी दो विकेट कीपिंग सेक्शन के प्लेयर के मुकाबले तो मुनी ने काफी अच्छी फॉर्म दिखाई है। और बेथ मुनी की अगर मैं इस सीजन की बात भी करूंगा दोस्तों, तो बेथ मुनी देखोगे अब तक टोटल 5 इनिंग में 182 रन कर चुकी है, जो कि इनकी अच्छी फॉर्म हमें ऑलरेडी दिखा रहा है। और एक चीज आपको और मेंशन करना चाहूंगा, अगर मुनी के साथ में आप लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में ट्रम्प कार्ड में जाना चाहो अपनी ग्रैंडली की टीम में जा सकते हो, काफी अच्छी प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे बात करें एमी जोन्स, सेकंड डाउन बल्लेबाजी, टोटल फ्लॉप है, अभी स्मॉली की टीम्स के हिसाब से छोड़ दो, ग्रैंडली की टीम में रखो तो रख लो, चॉइस आपकी है। टी विल्सन को फिलहाल हम लोग अवॉइड करके चलेंगे, अभी इनके साथ में हम लोग नहीं जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर की भी बात करें टी विल्सन की, तो बैटिंग ऑलमोस्ट ये फोर्थ फिफ्थ डाउन पे जाएगी, तो काफी नीचे, तो उसके हिसाब से इनको टीम में पिक करना नहीं बनता मेरे हिसाब से। यहां पे देखो बेथ मुनी आपके लिए सेफ रहेंगी, आप लोग इन्हीं को अपनी टीम में बैक करके चलिए। बैटिंग सेक्शन के अंदर आएंगे भाई, यहां से देखोगे सबसे पहले फोब लिचफील्ड है, उसके बाद में रहेंगे भाई हितर नाइट, दो इंपॉर्टेंट पिक्स। स्टार्टिंग के मैचेस में नाइट का सिलेक्शन काफी कम चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस प्लेयर ने दो तीन मैच में लगातार अच्छे रन मारे और उन अच्छे रन के चलते अब देखोगे नॉर्मली बंदे इनको अपनी टीम में बैक करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको जब वीडियो कवर करके देता हूं, मैं एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल में सारी चीजें बताता हूं कि भाई कौन किस लेवल की प्लेयर है, किसको कब आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, किसको कब आप लोग ट्रम्प कार्ड में रख सकते हो, ठीक है। और नाइट के बारे में आपको हमेशा बोला था कि इंपॉर्टेंट प्लेयर, और खासकर जब जब इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतर रही है तब तब नाइट आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बनके जा सकती है, परफॉर्मेंस देख लो आपके सामने, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले फोब लिचफील्ड के बारे में। अब फोब लिचफील्ड जो है दोस्तों नॉर्मली आपको वन डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी, क्योंकि इनके पास में चमारी अट्टापट्टू और जॉर्जिया वोल जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। तो फोब लिचफील्ड का जो नंबर आएगा वो आएगा भाई यहां पे वन डाउन की पोजीशन पे, 5 मैच में फोब लिचफील्ड देखोगे 182 रन कर चुकी है, काफी अच्छी फॉर्म, और लगभग इनका 36 के आसपास आपको एवरेज भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेके चलो, नॉर्मल प्लेयर नोट है, कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। उसके बाद में बात करें हितर नाइट की, अब नाइट देखोगे तो सेकंड डाउन पे भाई बल्लेबाजी करेंगे, और नाइट की जो फॉर्म रही है वो भी काफी बढ़िया है, 4 मैच में टोटल 185 रन इनके नाम है। नाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोब लिचफील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नाइट खासकर पहले बल्लेबाजी तो जरूर रखिए। अगर ड्रॉप करके रिस्क उठा रहा हूं तो भाई सेकंड बल्लेबाजी ड्रॉप करके रिस्क उठा सकते हो, बट पहले बल्लेबाजी में तो जरूर रख लेना, ठीक है। उसके बाद में जॉर्जिया वोल का जो फॉर्म रही है भाई सिडनी थंडर के लिए ओपनिंग करता हुआ, एक नॉर्मली फॉर्म है, ज्यादा मैं कुछ उतना खास भी इनको नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि 5 मैच में अब तक इन्होंने केवल 154 ही रन करे हैं, जिसमें एक मैच में 92 रन की पारी थी, उसके अलावा बाकी के मैचेस में वही 10-15-17 रन की पारी है, ज्यादा कुछ बड़ी पारियां नहीं देखने को मिली। नीचे आएंगे पिपारो, छोड़ दो फिलहाल, वन डाउन, उतनी अच्छी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, अगर स्मॉली के पर्पज से ना ग्रैंडिंग में शायद आपके लिए गेम चेंजर बने। नीचे आएंगे लेआउट की बात करें, एक आध मैच में ठीक ठाक, लेकिन स्मॉली में अभी ये थोड़ा डिजर्व करके नहीं चलेंगे। डी हेमलता तो भाई देखो ये तो खत्म ही प्लेयर है, आप लोग ये मान लो, अगर 20 गेंदे खेलेगी ना तो मुश्किल से 10-12 रन करेगी, वो प्लेयर नहीं है कि T20 में 20 गेंदे खेले तो आपको भाई 35-40 रन की पारी खेल के दे, उस लेवल की प्लेयर नहीं है, तो छोड़ दो फिलहाल, स्मॉली की टीम में मत रखिएगा। यहां से लिचफील्ड और आपके लिए भाई नाइट, दो ही सेफ ऑप्शन है, थोड़ा रिस्क उठाओ तो वोल को जरूर अपनो टीम में एज ए ट्रंप ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन, अट्टापट्टू रहेंगे, सोफी डिवाइन है, देखो दो प्लेयर तो कॉमन है, और ये दोनों प्लेयर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की सेफ ऑप्शन है, स्मॉली की टीम में भी और आपकी ग्रैंडली की टीम में भी, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर है 4-4 ओवर गेंदबाजी के साथ में आपको ऊपर बल्लेबाजी देंगे। अब बात करूं चमारी अट्टापट्टू की, जो कि सिडनी थंडर वुमेन्स की टीम के लिए आपको ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाली है, ठीक है, पूरे 4 ओवर स्पिन के अंदर देखे जाएगी, वहां पर विकेट निकाल सकती है, बल्ले के साथ में अच्छे रन मार सकती है, और अब तक जो फॉर्म रही है चमारी अट्टापट्टू की, 5 मैच में 121 रन है बल्ले के साथ में, जबकि गेंदबाजी में बात करें तो भाई 8 विकेट इनके नाम है, कैप्टनसी डिजर्व करके चल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोफी डिवाइन की बात करें, करेंगी ये भी देखो पर्स स्कोरचर्स के लिए भाई ओपनिंग बल्लेबाजी, ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, गेंदबाजी इनकी कट हो सकती है, सोफी डिवाइन कंफर्म नहीं है कि पूरे 4 ओवर डाले, बीच में हो सकते एक दो ओवर कट हो जाए इनके, या तो 2 डाले या फिर 3 डाले, लेकिन बल्लेबाजी ऊपर करेगी। हालांकि जो फॉर्म रही है इस सीजन वो काफी ज्यादा हमें खराबी देखने को मिली, अगर सोफी डिवाइन की बात करें 4 मैच में भाई मात्र 47 रन है, कुछ खास नहीं है, और विकेट इनके नाम सिर्फ 3 है, लेकिन एक सेफ ऑप्शन में आ जाएंगी, क्योंकि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में बैकअप मिलेगा, तो टीम से ड्रॉप मत करिएगा, टीम में रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टन करो ना करो चॉइस आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे सैमी जो जॉनसन, देखो अच्छी प्लेयर है, बट एक चीज बता दूं सैमी जो जॉनसन के बारे में, लास्ट मैच टीम ने इनके ओवर कट कर दिए, हालांकि ऐसी गेंदबाज है जो अगर पूरे 4 ओवर करे ना तो विकेट निकाल सकती है, अब नहीं टीम 4 ओवर करवा रही तो भाई क्या ही कर सकते हैं, और 4 ओवर जब नहीं करेंगे तो फिर तो मेरे हिसाब से टीम में पैक करके अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो अभी मैं इनको ड्रॉप ही करके चलूंगा। बाकी अगर आप लोग रिस्क उठाओ और अगर सिडनी थंडर इस मैच में पहले गेंदबाजी करे तो
तो आप लोग यहां से बैक कर सकते हो सैमी जो जॉनसन को एज ए ट्रंप, अगर आप लोग रिस्क उठा सकते हो तो ट्राई करिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहां से देखो एडगर की ऑप्शन है, ये मैच है जॉनसन के ऊपर डिपेंड करने वाली प्लेयर है, फिलहाल एक बार छोड़ के चल रही है, पहले बॉलिंग सेक्शन में आएंगे जो इंपॉर्टेंट पिक्स है उनके ऊपर चलेंगे, ठीक है। समानता बेट्स रहेगी सबनी इसमें, उसके बाद में एलाना किंग के साथ में एंसवर्थ और भाई डार्लिंगटन, ये जो गेंदबाजी सेक्शन की पांच प्लेयर, और देखो ये वो पांच प्लेयर है जो पूरे चार चार ओवर डालेगी, और जब पूरे चार ओवर वुमेन के मैच में अगर आपको कोई प्लेयर डाल के दे रही है ना भाई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसको मत छोड़ना कभी भी, ठीक है, क्योंकि वुमेन के मैच में आपको एक चीज पता है कि विकेट तो डेफिनेटली गिरते हैं, जो विकेट गिरेंगे तो भाई चार ओवर करने वाली जो गेंदबाज है वही आपके लिए विकेट टेकिंग गेंदबाज बन के जाएगी। सबसे पहले बात करें समानता बेट्स की, जो कि सिडनी थंडर वुमेन्स के लिए आपको दिखेगी, और स्पिन गेंदबाज है, नॉर्मली वुमेन के मैच में स्पिन वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी अब तक अगर फॉर्म की बात कर तो भाई गजब की फॉर्म है, पांच मैच में देखो टोटल 15 विकेट, पांच मैच में 15 विकेट, मतलब हर मैच में एवरेज 3 विकेट है, समझ लो किस लेवल की गेंदबाज है। और एक चीज बताऊं, अगर मान लीजिए सिडनी थंडर वुमेन पहले गेंदबाजी करती, आप लोग समानता बेट्स के साथ में ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन भी जा सकते हो, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में सबना इसमेल की बात करें तो इनकी जो फॉर्म रही है वो भी हमें काफी बढ़िया देखने को मिली है, और ये एक ऐसी गेंदबाज है जो कि इनिशियली स्टार्ट भी करेगी प्लस डेथ में भी गेंदबाजी करके, मतलब 19, 20, 18, 17 ओवर के अंदर, ठीक है, और वहां पे विकेट के चांस थोड़े से हाई बनेंगे। बाकी अगर फॉर्म की बात करें तो पांच मैच में 5 विकेट इनके नाम है, लेकिन अगली जो प्लेयर है भाई एलाना किंग, ये प्लेयर टोटल गेम चेंजर प्लेयर है, बल्लेबाजी गेंदबाजी है, गेंदबाजी सेक्शन की प्लेयर, लेकिन बल्लेबाजी बैकअप भी बहुत बढ़िया देखे जा सकती है पर्थ स्कोरचर वुमेन्स की टीम के लिए। और अब तक जो फॉर्म रही है एलाना किंग की, अगर उसके बारे में भी बात करेंगे तो भाई गेंदबाजी देखोगे 5 मैच में 13 विकेट है, मतलब ऑलमोस्ट 2 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 ही विकेट कह लो, क्योंकि 2 ही विकेट कम है अगर एवरेज के हिसाब से चलेंगे। दूसरा बल्लेबाजी बैकअप आपको मिल जाएगा, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। हना डार्लिंगटन पूरे 4 डालेगी सिडनी थंडर वुमेन्स के लिए। एंसवर्थ ने देखो उस लेवल की परफॉर्मेंस करी है जो कि इनके साथ में भाई एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, बट एंसवर्थ ने जो परफॉर्मेंस करी वो वाकई काबिले तारीफ रही है, और जब पूरे 4-4 ओवर मिल रहे हैं तो ये लगातार विकेट निकालती हुई भी जा रही है, तो एंसवर्थ आपके लिए सेफ है, चाहे आप लोग स्मॉली की टीम क्रिएट कर लो, चाहे आप लोग टीम क्रिएट कर लो ग्रैंड लीग की। दूसरी चीज, लास्ट मैच एंसवर्थ ने देखो 41 रन की बढ़िया पारी भी खेली थी मात्र 25 गेंद के अंदर, ठीक है, सॉरी 27 गेंद के अंदर, ये भी ध्यान रखिए, है तो मेन गेंदबाज, 5 मैच में 7 विकेट भी इनके नाम है, ये भी ध्यान रखिए। 4 ओवर आपको यहां पे डार्लिंगटन देके जाएगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गेंदबाजी सेक्शन की ये 5 प्लेयर आप लोग अपनी टीम में रखोगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहां से देखोगे मिल से भाई होस्किन है, देखो इनके ओवरकट हो सकते हैं। बाकी टी पेस्टल की बात कर तो थोड़ा रिस्की प्लेयर है, अभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बाकी अगर आपको पिक ही करना है ना तो फिर जब अगर एसटी वुमेन सिडनी थंडर वुमेन पहले गेंदबाजी करे तो रख लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बैटिंग सेक्शन से जा सकते हो, किसके साथ में भाई वोल आपके पास में ऑप्शन है, बॉलिंग सेक्शन में आओगे सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन में तो सैमी जो जॉनसन के साथ में जा सकते हो या फिर एडगर के साथ में जा सकते हो, ये चॉइस आपकी अपनी रहेगी, बट ये वो दोनों प्लेयर है जिनके भाई ओवर भी कट होके जा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा रिस्की प्लेयर जरूर बनेगी, बाकी अभी मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा यहां से सैमी जो जॉनसन और एडगर में से ही आप लोग एटलीस्ट एक प्लेयर अपनी टीम में बैक करके चलिए। फिलहाल चलते हैं एडगर के साथ में, क्योंकि इनके फिर भी 4 ओवर करने के थोड़े चांसेस हाई रहेंगे। अब मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है वो बन चुकी है, जो मैं एक बार आपको यहां से दिखा भी देता हूं, आप लोग देख पाओगे ये जो 11 प्लेयर है मेरी टीम में आ चुके हैं आज के मैच के लिए। बट ये भाई देखो एक डेमो टीम है, टॉस के बाद क्या होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू टॉस पहले बल्लेबाजी सेकंड बल्लेबाजी के बेस पे एक दो टीम जो है चेंजेस वो अपनी टीम में करने पड़ते हैं। तो अगर मैं इस टीम में चेंज करूंगा टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते भाई, सेफ ऑप्शन की बात करूं चमारी अट्टापट्टू समानता बेट्स से आपके पास में सोफी डिवाइन को ट्राई कर सकते हो और एलाना किंग को ट्राई कर सकते हो। ये जो 4 प्लेयर सर्कल कर दी ये आपके लिए पहली प्रेफरेंस रहेगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। इनके अलावा ट्रंप कार्ड प्लेयर में ट्राई करो तो आपके पास में फोब लिचफील्ड रहेंगे, हना डार्लिंगटन के साथ में जा सकते हो, सी एंसवर्थ के साथ जा सकते हो या फिर जा सकते हो भाई नाइट के साथ। ये 4 प्लेयर आपके लिए ट्रंप कार्ड ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शंस आपको बता दी, अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस बेस्ट लगे वो कर सकते हो। सभी प्लेयर के बारे में डिटेल में आपको सारी चीजें बताई है, किसको ट्रंप कार्ड में ले सकते हो किसको यूनिक ले सकते हो, बट वो प्लेयर जरूर रखिएगा जो भाई पूरे 4-4 ओवर डालेगी, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करा होगा, पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करनी। मिलते हैं भाइयों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।